जो हुआ है वो बहुत खराब हुआ है। हमारी पाकिस्तान से फिर ज़्यादा परिस्थिति खराब हो गई है। और मुझे लगता है कि क्रिकेट ये वर्ल्ड कप है तो पहले तो देखो किसी में भी नेशन इज फर्स्ट, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से गाइडलाइन लेनी चाहिए और क्रिकेट खेलने के बारे में गवर्नमेंट की राय भी चाहिए। और मुझे लगता है कि बोर्ड में भी बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुला के सब मेंबरों की राय लेने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है। सर, आपने बताया कि बीसीसीआई में जो सीओए है उनको एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी चाहिए, क्या मानते हैं? नहीं, एकदम सीईओ को एक स्पेशल जनरल बीडी मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए और मेंबरों की राय लेनी चाहिए। साथ साथ में व्यक्तिगत तौर पर अगर बात की जाए, एज ए फॉर्मर बीसीसीआई सेक्रेटरी, क्या मान रहे हैं कि भारत को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? देखो, नेशन तो हमेशा कोई कोई भी चीज में फर्स्ट होता है, मगर मैं मानता हूं कि इसमें इंडिविजुअल का ओपिनियन इतना मान्य नहीं रखता है जितना बोर्ड के सब मेंबरों मिलके एक कलेक्टिव डिसीजन ले। आईसीसी भी इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटरिंग कर रही है, वर्ल्ड कप का आयोजन उनका है, क्या आखिरकार जो राय बनेगी वो सरकार की बनेगी? हाँ, सरकार की गाइडेंस हमें जरूरी है और उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर मोदी सरकार ना बोलती है तो क्या भारत को नहीं खेलना चाहिए? सरकार एक बार ना बोले तो 100% वी विल नॉट प्ले।